वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आपको लास्ट वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। एंड इट्स 31st December। आई होप आपका ये साल अच्छा गुजरा होगा और आने वाला कल न्यू ईयर है, तो विश यू ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल एंड मेक योर प्लान्स। आई होप आप सभी अच्छा तरक्की करें अपनी लाइफ में, सक्सेसफुल बने एंड आई विश खुश रहें आप सभी, हेल्दी रहें एंड मेरी तरफ से वंस अगेन अ विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल एंड योर फैमिली एंड गिव मी सपोर्ट एंड योर लव। प्लीज़ शेयर करा कर लीजिए मेरी वीडियो को। तो हम टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का टॉपिक और स्टार्ट कर लेते हैं। आज मैं वीडियो में चैप्टर नंबर 1 ख़त्म कर दूँगी। हम शायद कल मैं भी एक और वीडियो डाल दूँ जिससे आप कर पाएँ। तो करते हैं स्टार्ट। देखिए, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स अ न्यू डायमेंशन, मतलब जो हमने स्कोप और नेचर पढ़ा था इकोनॉमिक्स का, वो हमने एक जो जनरली चलता आ रहा है उनके अकॉर्डिंग किया था। ये एक न्यू डायमेंशन के अकॉर्डिंग आया है, जिसका मतलब है इकोनॉमिक्स इज एंटायरली न्यूट्रल एज रिगार्ड एंड्स। ठीक है, जिसका क्या मतलब है, जैसे कि लॉर्ड रॉबिन्स ने अपनी बुक में कहा था, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, इट मीन्स इकोनॉमिक्स इज एंटायरली न्यूट्रल एज रिगार्ड्स एंड्स। अब देखिए, जो ह्यूमन बिहेवियर की प्रॉब्लम अराइजेज होते हैं वो ड्यू टू स्कार्सिटी होती है, जिसके हमको अचीव गोल्स अचीव करने हैं। हाउ स्कार मीन्स आर यूज टू बी अचीव द फाइनल गोल। स्कार मतलब जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज, हम उन्हें कैसे यूज़ करें ताकि हम उन लिमिटेड रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग हम अपने एंड्स को, अपने फाइनल गोल्स को अचीव कर पाएँ बहुत जीनली। और जो नॉर्मली पब्लिक का क्वेश्चन क्या है, क्या है, द पब्लिक जनरली वॉन्ट टू नो फ्रॉम द इकोनॉमिस्ट व्हाट इज द राइट थिंग टू डू। व्हाट इज द राइट थिंग टू डू, हमें कौन सी ऐसी सही चीज़ है जो हमें करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा, इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो वेलफेयर, सोशल वेलफेयर भी कर सकते हैं, इकोनॉमिक वेलफेयर भी कर सकते हैं। और जो इकोनॉमिक्स होती है वो हम प्रैक्टिस पॉलिसीज के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप ये देखिए, अब स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स आ जाता है। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप ऑफ साइंस, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है। सबसे पहले एक तो होता है सब्जेक्ट मैटर और एक हमारी लिमिटेशन ऑफ द इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट मैटर, जो कि मैंने पॉइंट्स में लिखा हुआ है। इसके 10 पॉइंट्स मैं आपको 1 by 1 एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आप जस्ट मेरी एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा फोकस करना, ना क्या मेरे राइटिंग स्किल्स पर। सबसे पहले मैं आपको ये दूंगी, जो ये आपके स्कोप है वो डायनेमिक है, गेटिंग, जो आपकी इकोनॉमिक्स है वो डायनेमिक है। और आपको पता ही, जब मैं बताया ग्रीक लैंग्वेज में एक ओकिस, दैट मीन्स हाउस होल्ड, एंड नेमिंग टू मैनेजमेंट, दैट मीन्स हाउस मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। ठीक है, जो एडम्स की तरह वो हमारे फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। अगर आपसे पूछा व्हाट इज, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, तो आपका आंसर होगा एडम स्मिथ। ओके, सो अब देखिए, सबसे पहले पॉइंट है हमारी प्रोडक्शन। अब ये देखिए, इससे पहले एक चीज़ बताऊंगी, जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो दो एक्टिविटीज के अंडर क्या क्या चीज़ आती है, प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट अपने रिसोर्सेज को, ताकि हम सेटिस्फाई कर सकें हमारी ह्यूमन वॉन्ट्स को, हमारी ह्यूमन्स की जो नेसेसरीज हैं उन सबको। तो सबसे पहले प्रोडक्शन, देखिए सुनिए, ध्यान से सुनिए, प्रोडक्शन रेफर्स टू डैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंसर्न विद द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी और एडिशन वैल्यू इन गुड्स एंड सर्विसेज और विच इज़ कंसर्न विद द जनरेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक्टिविटी इन्वॉल्व इन द बिस्किट ऑफ बिस्किट्स विद द हेल्प ऑफ लेबर, शुगर, मैदा, इज कॉल्ड प्रोडक्शन। देखिए, अब हमें बिस्किट बनाने की प्रोडक्शन में किस किस चीज़ की जरूरत है, मैदा, लेबर और शुगर की, जिस वजह से हम बिस्किट बनेगा और जिससे हम, जो हमारे पीपल्स, हम उनकी वॉन्ट्स को कर पाएंगे। एक ऐसी क्रिएशन, एक ऐसी एडिशन होती है वैल्यू ऑफ गुड्स की और सर्विसेज की, जिसकी वजह से हम अपने रिसोर्सेज जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको क्रीम बनानी है तो सबसे पहले आप देखेंगे प्रोडक्ट्स, मिल्क, क्रीम, फ्लावर्स की, मतलब जो पेटल्स होती हैं उनको मिक्स करेंगे, उसको मिक्सअप करके एक ऐसा पोस्चर बनाएंगे, वो इतनी हार्ड या सॉफ्ट किस तरह से, उसमें आप फिर फ्रेगनेंस डालेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो क्रीम बनती है। तो ये सब आपके रिसोर्सेज हो गए और इन सबको आपका एडिशन और सर्विसेज प्रोवाइड करके आप इसको एक फॉर्म, एक क्रीम की फॉर्म में जनरेट, प्रोडक्शन कर देते हैं, रिसोर्सेज को जनरेट कर देते हैं, और इसको हम कहते हैं प्रोडक्शन। ठीक है, उस प्रोडक्शन के लिए 4 चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, सबसे पहले लैंड, फिर लेबर, फिर कैपिटल, फिर एंटरप्रेन्योर, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए, इकोनॉमिक रिसोर्सेज हो गए। हम प्रोडक्शन को कंजप्शन भी यूज्ड भी कह सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है,
आप प्रोडक्शन को कंजप्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट सेटिस्फाइड कर रहे हैं हमारे ह्यूमंस की वॉन्ट को, और हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इनडायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ वॉन्ट. डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ वॉन्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट इज यूज फॉर द इनडायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ वॉन्ट्स. ठीक है, कंजप्शन यूज कर जाती है डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन के लिए, और इन्वेस्टमेंट यूज कर जाती है इनडायरेक्ट सेटिस्फेक्शन के लिए. उसके बाद आता है कंजप्शन. कंजप्शन इज द एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद द यूज ऑफ यूटिलिटी ऑफ गुड्स सर्विसेज डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ वॉन्ट्स, जैसे क्लोथ्स, ईटिंग ऑफ ब्रेड्स, चाय को पीना, ये कंजप्शन एक्टिविटीज़ है. ठीक है, इसके बाद आती है इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट क्या है, जो इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटीज़ है उनको हम इंक्रीज करते हैं ह्यूमन कैपिटल्स को. इन अदर वर्ड देर इज़ अ कैपिटल फॉर्मेशन. ठीक है, जैसे प्रोडक्शन होगी अदर गुड्स की एंड सर्विसेज की. फिर है एक्सचेंज. ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको हम सेल परचेज करते हैं हमारी गुड्स और सर्विसेज की, एंड द सेल एंड परचेज आर मोस्टली डन थ्रू मनी. जो परचेज और सेल कर जाते हैं वो मनी के थ्रू करी जाती है, एंड इसको हम ये भी कह सकते हैं प्राइस डिटरमिनेशन भी कह सकते हैं एक्सचेंज को. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्राइस डिटरमिनेशन. और जो प्राइस डिटरमिनेशन है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड फैक्टर प्राइसिंग. सबसे पहले आप देखिए प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या है. प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या है, एक्सचेंज का ही चल रहा अभी. ठीक है, क्या है, हम जो डिटरमाइन करते हैं गुड्स को मार्केट में, फॉर एग्जांपल परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोली में, इनपरफेक्ट कंपटीशन, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट प्राइसिंग. और फैक्टर प्राइसिंग का, जैसे कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इज अभी इन्हें कह देते हैं फैक्टर प्राइस. जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर के, जैसे लैंड रेंट, लेबर वेजेस, कैपिटल इंटरेस्ट, एंटरप्रेन प्रॉफिट, इन रेस्पेक्टिवली, और इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को जो हम इकोनॉमिक एक स्मॉल ग्रुप पे पढ़ते हैं, जो छोटे स्टेज पे पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन, प्राइस डिटरमिनेशन, फैक्टर प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इकोनॉमिक वेलफेयर. और मैक्रो में जो हम लार्ज इकोनॉमिक के ऊपर पढ़ते हैं, नेशनल इनकम, फुल एम्प्लॉयमेंट, प्राइस लेवल, डिप्रेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, पब्लिक फाइनेंस, मनी, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, ट्रेड साइकिल एंड माइक्रो थ्योरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, आप ये सब सुन के नोट करते रहना, क्योंकि मैं इतना लिख नहीं सकती. उसके बाद आता है इकोनॉमिक सिस्टम. इकोनॉमिक सिस्टम जैसे कैपिटलिज्म, सोशलाइजेशन एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. कैपिटलिज्म में कहते हैं जो कंज्यूमर होते हैं वो कंज्यूम भी करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं, एक्सचेंज भी करते हैं गुड्स का. ठीक है, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता, इट्स अ प्राइवेट प्रॉपर्टी. ठीक है, सोशलिज्म में क्या होता है, जैसे कि कंजप्शन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, ये गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर होते हैं और इसे हम प्राइवेट नहीं रख सकते. फिर मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें दोनों काइंड है, इसमें कैपिटल का इंटरवेंस भी रहता है, नहीं भी रहता. सोशलाइजिंग कैपिटलिज्म, तो मतलब दोनों का होता है. ठीक है, फिर उसके बाद है इकोनॉमिक पॉलिसीज, जिसमें कि मॉनेटरी पॉलिसीज, फिस्कल पॉलिसीज, प्राइस पॉलिसीज, इकोनॉमिक प्लानिंग, ये सब आता है, इन सब का पार्ट है. जैसे इकोनॉमिक सिस्टम इनको ऑपरेट करता है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट में, इन्फ्लेशन में, पॉवर्टी में, डिप्रेशन के टाइम पे. ठीक है, फिर है इलेक्ट्रोमीटर्स. ये आपके लिए न्यू टर्म है, जैसे कि मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिक्स में हमारा काफ़ी यूज़ होता है इसमें. फिर है अप्लाइड इकोनॉमिक, जैसे कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल ट्रांसपोर्ट, हम अप्लाइड इकोनॉमिक्स कह देते हैं. ठीक है, अब इसके बाद आती है लिमिटेशन ऑफ द इकोनॉमिक्स, स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ओनली. जो कि स्टडीज हम सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज की करते हैं, ना कि हम जैसे कि बर्ड्स, एनिमल हो गई, इन सब का कोई मैटर नहीं होता. ठीक है, ये लाइफलेस मैटर होते हैं. फिर है स्टडी ऑफ रैशनल मैन. एक रैशनल मैन मतलब एक ह्यूमन वॉन्ट्स की, हम कैसे उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन को क्लियर कर सकते हैं और कितना हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं. एजप्शन बेस्ड प्रिंसिपल, यहाँ पे एजप्शन बेस्ड प्रिंसिपल है और बाकी सारी थिंग्स कॉन्स्टेंट ही रह जाती हैं. फिर है इकोनॉमिक लॉज आर नॉट एग्जैक्ट एंड यूनिवर्सल. जो इकोनॉमिक लॉज हैं वो एग्जैक्ट नहीं है और ना ही यूनिवर्सल है, हर जगह एप्लीकेबल नहीं होते, वो पर्टिकुलर थिंग पे ही होते हैं. और एंड ये कॉन्स्टेंट भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, वो डिपेंड करता है हमारे ह्यूमन बींग की थिंकिंग पे, उनकी वॉन्ट्स पे, उनके हैबिचुअल नेचर पे. ठीक है, उसके बाद है इकोनॉमिक्स नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल. ये कोई कॉन्ट्रोवर्सी फ्री ऑफ फ्रॉम कॉन्ट्रोवर्शियल है. सजेशंस है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, फिर उनका सोल्यूशन है इस तरह से. ठीक है, ये आपका यहीं पे चैप्टर ख़त्म होता है, चैप्टर नंबर 1. और हम नेक्स्ट वीडियो आपकी चैप्टर नंबर 2 पर आएगी. ठीक है, और इसके बाद मैं देखूँगी, मुझे टाइम मिला तो मैं वीडियोस अपलोड करती रहूँगी, वरना मैं आपको बता दूँगी. तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ बहुत जल्द. आई होप आपको ये भी वीडियो अच्छे से समझ आई होगी. तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना, और कमेंट में जरूर कर बताना आपको कैसी लगी और आपकी क्या अगली प्रॉब्लम है.
और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।